तेरह साल पहले अगर किसी ने मुझे पूछा होता कि मैं कौन हूँ तो मैं कहती कि मैं अठारह साल की एक ढाई साल के बच्चे की बेटी की माँ जो बहुत ही टिपिकल सोशल जो कहते हैं वा हाउस वाइफ है उस तरीके थी जिसे घर से बाहर जाना मना था अगर कुछ करना है तो परमिशन लेनी पड़ती थी और उसके बाद भी अगर कहीं जाना है तो नकाब ओढ़ जाना है मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ तो हमेशा ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रीक फैमिली से आए हैं या बहुत इससे आए लेकिन इसके पीछे और एक कहानी थी मेरे पापा जब मैं सात साल की थी तब मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे और बहुत जिस कम्युनिटी से मैं आई हूँ चेंबूर वाशिनाका से जहाँ पे पहाड़ी पे वो बस्ती है बहुत सारे लोग वहाँ पे काम के सिलसिले में आते थे और वहाँ पे रहना शुरू किए थे जब मेरे पापा छोड़कर चले गए तो आ, मेरी माँ को परेशान करने का सिलसिला शुरू हुआ और जिसमें एक दिन मुझे ही उठाया गया क्योंकि मेरी माँ उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उनसे आ, उनके घर में जाके रहने के लिए तैयार नहीं थी और फिर मजबूरन मेरी माँ को जाना पड़ा क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को गवाया था बेटे को गवाया था और अब वो मुझे नहीं खोना चाहती थी और फिर हम शिफ्ट हो गए उस बंदे के घर पर जो कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और तब मैं सात साल की थी तो इतना सारा मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है हम यहाँ से वहाँ पे चले गए जितने हमारे मुस्लिम फ्रेंड थे या जो भी आजू बाजू के लोग थे वो अलग नज़र से देखने लगे कि कुछ तो और मुझे ये महसूस हो रहा था कि कुछ तो हुआ है मेरी फ्रेंड मेरे साथ खेल नहीं रही है या आ, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है ये सिलसिला आ, चल रहा था और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई यानी कि मुझे पीरियड्स आना शुरू हुआ मेरी माँ ने मेरी सेफ्टी के लिए उठा के मुझे मेरे अंकल के घर पे भेज दिया और जब मैं वहाँ पे गई तो बहुत बड़ी फैमिली थी और किसी को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक वहाँ पे ऐड हुई क्योंकि कमाने वाला एक था खाने वाले दस बारह लोग थे और वहाँ पे जाने के बाद दिन भर का काम करना मैं दूसरे के घर में भी जाकर काम करती थी ताकि कुछ पैसा मिल सके और मैं मेरे अंकल आंटी के घर में रह सकूँ और उसी वक्त तो मैं पढ़ रही थी तो जो होना था वही हुआ नाइन्थ स्टैंडर्ड में मैं चली गई और मैं फ़ेल हो गई तब मैं पंद्रह साल की थी और फिर जैसे मैं फ़ेल हो गई तो मेरे आंटी ने कहा कि बस अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब इनकी शादी कर देते हैं क्योंकि कितने दिन रहेगी अभी इस घर में हमारे भी तो बच्चे हैं और जो रिश्ते आने शुरू हुए जिसमें कोई अफाइज आ, जा आ जाता था कोई शादीशुदा इंसान आ जाता था शादी करने के लिए और मुझे सवाल ये था कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों और तो उसका रीज़न ये था कि मेरी ने किसी और जाति के इंसान के घर में जाके रह रही है सबको सवाल था कि मेरा बाप कौन मुस्लिम है या हिंदू है और फिर ऐसे लड़की के लिए तो ऐसे रिश्ते आ रहे ये भी उनके नज़र में मेहरबानी थी और उसी दरम्यान मेरे अंकल के साथ जो बंदा काम कर रहा था उसके साथ मेरी शादी हुई उसके घर में भी काफ़ी लोग खुश नहीं थे क्यों उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी थी और जो रूटीन फैमिली में होता है तकलीफ देना वो सारा मेरे इसमें शुरू हुआ मेरी माँ से ये सारा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने आ, उस बंदे से चुप के हुए मुझे आ, मेरे नाम का घर लेकर दिया मुझे मेरी आ, और मेरी बेटी हो गई थी तब तक आ, पहले महीने से ही आ, मैं प्रेग्नेंट थी तो सोलह साढ़े सोलह साल की उम्र में आ, मुझे, आ, मेरी बेटी हो गई मेरी माँ ने मुझे वहाँ पे शिफ्ट किया कि तुम अलग से रहो तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और इसका उल्टा असर हुआ वो बंदे ने काम पे जाना छोड़ दिया रोज़ वो घर से निकलता था लेकिन ध्यान उसका रहता था कि मेरी बेटी कहाँ मेरी बीवी कहाँ जाती है किससे बात करती है टॉयलेट जाती है तो कितना देर लगता है पानी भरती है तो कितना देर लगता है क्योंकि उसके घर घर में जो माहौल था उसमें यह था कि इसकी माँ ने जो किया है ये लड़की भी वही करेगी इसलिए बच के रहना चाहिए और ख़ूबसूरत लड़कियों को छोड़ना नहीं चाहिए उनके नज़र में कि ख़ूबसूरत लड़कियों को छोड़ना नहीं चाहिए वरना तेरा कुछ आ, सच नहीं है और ये सब होते होते एक दिन मेरे बस्ती में कोरो आई जिस संगठन से मैं जुड़ी हूँ और उस मीटिंग के लिए मैं चुपके से चली गई कि मुझे हमेशा लगता था क्यों ये चार पांच लोग बैठ के कुछ तो बातें करते हैं इधर मीटिंग है उधर मीटिंग है और मैं उस मीटिंग में चली गई और वहाँ पे बातें हो रही थी मेरे बस्ती में लाइट नहीं है मेरे बस्ती में पानी नहीं है मेरे बस्ती में टॉयलेट नहीं है कचरा पड़ा है उन्होंने एक बेसलाइन सर्वे किया था और उसी की वो बातें रख रहे थे और उन्होंने कहा तो हम तो इस बस्ती में काम कर रहे हैं मेरे मेरे समझ में कुछ नहीं आया मगर मैंने झट से उठ के कहा कि आप क्यों मेरे बस्ती में काम करेंगे सवाल मेरा है पानी का सवाल मेरा है कचरा मैं डालती हूँ टॉयलेट में जाती हूँ तो बाहर के लोग आके मेरे बस्ती में काम क्यों करेंगे और इस एक सवाल ने मेरी जिंदगी बदल दी मैंने तो बोल दिया था मुझे पता नहीं था आगे क्या होने वाला है क्योंकि अंदाज़ा नहीं था तो उन्होंने कहा ठीक है आप तैयार हो तो जुड़ जाओ अब जुड़ जाओ ये तो मैंने कहा एक तो मीटिंग में मैं चुपके से आई थी घर में मुझे अगर बाजार भी जाना है तो परमिशन की ज़रूरत है और उसमें मैंने जुड़ने के लिए उन्होंने कह दिया तो मैंने घर में आके कहा कि ऐसी ऐसी मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं क्योंकि नब्बी तक पढ़ी हूँ तो उन्होंने कहा कि आप औरतों के लिए पढ़ाना शुरू कर दो एडल्ट लिटरेसी के जो क्लासेस थे मैं करूँ क्या मैंने ऐसा उनको पूछा क्योंकि दरवाज़ा बंद रहने वाला था जो रोज़ मैं दरवाज़ा बंद करके घर में मेरी बेटी के साथ बैठती थी अब चार औरतें मेरे साथ और बैठने वाली थी तो कोई आ, उन्होंने आ, दिक्कत नहीं की उन्होंने कहा ठीक है घर बंद करके लेकिन बाहर नहीं जाना मैं तो कहा ठीक है घर में ही आ, हमने पढ़ाना शुरू किया पढ़ाते पढ़ाते ध्यान में आया कि सारी औरतें जो पढ़ने के अलावा जो बातें होती थी तो वो मारपीट की बातें होती थी घर में किस तरीके से परेशान किया जाता है उसके बारे में बातें होती थी कहीं ना कहीं ये सब मेरे साथ भी होता था लेकिन मैं किसी को बोल नहीं पा रही थी उतना जरिया मेरे पास नहीं था और फिर कम्युनिटी केस रजिस्ट्रेशन सेंटर हम बस्तियों में चलाते हैं ढाई सौ घरों में एक जो भी औरत को तकलीफ़ है वॉयलेंस से गुजर रही है वो आके अगर बता दे तो उसे तुरंत मदद की जाती है तो इस तरीके की एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर वो भी आ गई थी और इस दरमियान मैंने आ, एक बंदे से कह रही थी कि क्यों आप अपने बीवी को मारपीट करते हो ये आ, बिल्कुल सही बात नहीं है आप दोनों ने आपस में बात करनी चाहिए उस बंदे ने मुझे कहा कि रुको तुम्हारे घर में क्या चल रहा है वो देखो और फिर मुझे समझाओ अपना घर तो संभालने आता नहीं है चली हमें आ, समझाने ये सवाल ने मुझे हिला कर रख दिया कि अगर सच मैं लोगों के सामने जो चेहरा लेकर जाती हूँ वो अगर सही चेहरा सच्चा चेहरा नहीं होगा तो मुझ पर कोई विश्वास नहीं रखेगा फिर मैंने दो स्तर पर काम शुरू किया एक खुद की लाइफ से लड़ना अपनी लाइफ में बदलाव लाना और दूसरा मेरे जैसी जो बहनें हैं उनके लिए काम करना शुरुआत में आ, मैंने काउंसलिंग सेंटर में हमारे चली गई उसको लेकर उससे कहा माँ से कहा कि अभी तुम पैसा वैसा देना बंद कर दो वो बहुत शक करने लगा है वो काम पे जाएगा तो उसका ध्यान लगा रहेगा ये सारी चीज़ें हो रही थी मगर कुछ असर नहीं हो रहा था बल्कि प्रेशर बढ़ते जा रहा था और उस दरमियान बहुत सारे ट्रेनिंग्स मेरे हो रहे थे बस्ती में जेंडर क्या है वायलेंस क्या है आपके अधिकार क्या है चुप नहीं रहना चाहिए जब तक आपको पता नहीं होता है आपके अधिकार के बारे में आप कुछ नहीं बोलते हो लेकिन जिस दिन आपको पता चलता है आप चुप नहीं रह सकते हो और मेरे साथ वही हो रहा था मैंने देखते आई थी कि मेरे माँ के साथ क्या हुआ है मैंने देखा था मेरे आंटी के साथ क्या हुआ है और यही मैं सोच रही थी कि मेरा कम से कम ठीक है और यही होना चाहिए ये से मैं जा रही थी लेकिन अब मैं बदलाव चाह रही थी फिर मैंने आ, फैमिली कोर्ट में केस डाला वहाँ पे मुझे डिवोर्स नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कहा भाई फैमिली तो जुड़ कर रहनी चाहिए आप तोड़ने चली हो मेरी मम्मी ने कहा कि कोरो छोड़ दो कोरो की वजह से तुम इतना बोलने लगे और ना बचपन से तो इतना बर्दाश्त किया कभी आवाज़ नहीं निकाला अब क्या हो गया है दूसरा उन्हें लग रहा था कि बहुत सारा पैसा मुझे मिल रहा है तो इन सारे दरम्यान में मैंने डिवोर्स लिया बहुत उसके लिए मुश्किल हुई घर वालों ने घर से निकाल दिया मेरे बेटी के साथ मैं बाहर चली गई और ये सब करते करते इसका असर मेरे बेटी के ऊपर बहुत बुरा हुआ था वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गई थी अभी वो फर्स्ट में थी अगेन वो सात साल की थी जो मेरे साथ सात साल पहले हुआ था मेरी बेटी सात साल की थी और मुझे वो डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ ऐसा कुछ ना हो और इसलिए मैं जो भी हो रहा होना चाह करना चाह रही थी या जो हो रहा था उससे मैं उसको बचाना चाह रही थी और इसी दरमियान तो मेरा डिवोर्स हुआ मैंने आ, मुस्लिम तरीके से खुला लिया जिसके लिए मुझे बहुत आ, लड़ना पड़ा क्योंकि खुला भी आसानी से नहीं मिल रहा था वो सारा होने के बाद इसी दरमियान में मैं काम भी कर रही थी आ, पहले मैं डेढ़ सौ घरों में काम कर रही थी फिर मैं पाँच सौ घरों में काम कर रही थी मैं वॉलेंस के मुद्दे के ऊपर उभर कर आ रही थी उसी दरमियान मुझे फेलोशिप मिली जिसने आ, मुझे बताया कि क्या मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ और ये ये सारी पूरी प्रक्रिया में अगर देखेंगे तो ये स्टोरी सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है मैं ये कह रही हूँ कि ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी है कोरो जैसे शुरुआत हुई अपने खुद को सवा खुद के सवालों को लेकर लोग आगे आए उनको जब पता चला सेल्फ ट्रिगर जो होता है वो आने के बाद अभी वो अपने अलग अलग कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं और एक उद एक अकेला उदाहरण मेरा नहीं है यहाँ पर अगर उदाहरण के तौर पे बहुत सारे बस एक छोटा सा देना चाहती हूँ मराठवाड़ा विभाग आपको पता होगा महाराष्ट्र में जहाँ पे अनिता ताई और उनकी पूरी टीम है जो सिंगल वीमैन के साथ काम कर रही है करीबन दो गांव है उस्मानाबाद बीड़ लातूर इस एरिया में और मिनिमम हर एक गांव में अगर हम देखेंगे तो चार से पांच औरतें एकल है जो विडो है आ, किसी को छोड़ दिया गया है कोई सेपरेट हो गई है तो इनके साथ काम करना यानी पहले तो खुद के सवालों को लेकर आए खुद के सवाल हल होने के बाद लोगों के सवाल छुड़ाने जाए और ये हमें लगता है कि हमारा जो काम का तरीका है कि लोगों में इन्वेस्ट करना लोगों को तैयार करना जब तक ग्रास रूट से आवाज़ नहीं आएगी जब तक जिनके सवाल है वो अपने सवालों को लेकर आगे नहीं आएंगे तो सवाल हल नहीं होंगे वो ऊपरी तौर पे मलम पट्टी होगी जो हम मलम पट्टी लगाना नहीं चाहते हम चाहते हैं कि जिनके सवाल हैं वो आगे आए वो अपना अपनी बात रखे वो अपनी आवाज़ उठाए तो आपको अलग से मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है मेरे काम में मुझे अलग से कोई मोटिवेशन नहीं देता है मुझे पता है मेरे पे गुजरी है मैंने कैसे कैसे उसमें से बाहर आई हूँ मुझे पता है तो यही मेरा मोटिवेशन है और इसलिए मैं यहाँ पर अभी आई हूँ और आपसे बात करना चाहती हूँ शुक्रिया